पूछे यार, दो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, शुद्ध देसी रोमांस आपकी मूवी आ रही है, पर इस बारे में बताइए कितनी शुद्ध है ये अलग रोमांटिक मूवी? बहुत ही अलग रोमांटिक फिल्म है। जितना भी हम फिल्मों में देख ले और सोच ले कि ऐसी रोमांटिक स्टोरी होनी चाहिए, वैसी होती नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अलग तरीके से होती है, तो ये शुद्ध देसी रोमांस वैसी फिल्म। लोग रोमांस करते हैं लेकिन आप लोग शुद्ध देसी रोमांस करें, ये किस टाइप का रोमांस है? हमारी जिंदगी में रोजमर्रा का जो रोमांस होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों में होता है, बहुत फिल्मी चीज़ों में नहीं होता है, उसको हम शुद्ध देसी रोमांस कह रहे हैं। जो बहुत ही रियल है, जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसका नाम हम शुद्ध देसी रोमांस कर रहे हैं। Yeah, of course. I think it'll be fun to see, non-professionals compete, because you always see either professional kids or professional contestants compete. But the fun is when absolutely amateur people, just in the spirit of the game, come and perform. So it'll be fun. I must say कि जिस तरीके से perform करते हैं, बिल्कुल professionals लगते हैं। Yeah. So आज we are looking forward to it. मैं DID में पहले एक बार परफॉर्म कर चुका हूँ, तो हाँ, मतलब जो भी डांस करना चाहे मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ डांस करने के लिए। For me, my mom is like a loud Punjabi mother. She's full of life. I'm a complete contrast to her. But she's super because she's super at everything. Yeah, she works. She handles our home. She handles my pets, you know, dirtying around and littering around the entire house. She handles my father, his temperament, and us. And she's like a friend to me. So I think she's like a super mom. मुझे लगता है मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, इसलिए मेरी मॉम सुपर मॉम होगी। माय मॉम इज़ अ सुपर मॉम, क्योंकि जब उन्होंने मेरे डैड से शादी करी थी तो उनको हिंदी भी नहीं आती थी। वो एक्चुअली सिंगापुर से हैं और अफ्रीका में पली बड़ी हैं, तो आज के दिन अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। वो पंजाबी में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, एंड उन्होंने हम सबको बड़ा किया है इन अ कम्प्लीटली फॉरेन कंट्री, तो इसलिए वो सुपर मॉम है। नहीं यार, प्रमोशंस आर एज मच पार्ट ऑफ द फिल्म एज एनीथिंग एल्स, सो नॉट टायरिंग एट ऑल, वेरी एक्साइटिंग। जब हम एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि सबको बताएं कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाई और आप सब आके देखें, तो आई थिंक प्रमोशंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिल्म। फॉर मी यस एग्जैक्टली, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम सुपर हैप्पी। Thank you. Last question. Okay, last question. चलो। एक्चुअली नहीं, हम लोग तो एक्चुअली शी एंड आए तो हम लोग पंजाब में बड़े हुए हैं, तो हम लोग तो सेलिब्रेट नहीं करते थे वहाँ पे, लेकिन ये जब से हम बॉम्बे आए हैं तो वी आर ऑल्सो वेरी न्यू टू द फेस्टिवल। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। यस यस, वेरी मच, बहुत बारी किया है एंड बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी हैं तो दूसरों को भी हेल्दी बनाने के लिए अगर उनको आपकी जरूरत है तो डेफिनेटली। थैंक यू। नहीं, हमारे यहाँ से बहुत दादा, एक काम और भी है।
का लेना देना है रोमांस से? दादा कहता है अभी हम लोग ही लड़ेंगे। अच्छा सुशांत, सबसे बड़ी बात यू नो फखर महसूस होता है, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू क्योंकि आप जी से शुरू जी से आप वेरी वेरी स्टार आइकॉनिक शो मैं समझता हूं, एंड योर पार्टनर अंकित लड़का आपके बोलता है एक बार भी डिफरेंट स्टफ नहीं करना, हिंदी में बोलना सर
Prince Zoya and Prince Madalena. Prince and Zoya on stage, please. But in logon ko to dekha nahi. They have. I've explained the act to them, brother. I have taken them through the act. Yeah. So they have seen it. I've taken it. Okay. So, guys, everyone, just for your, just to recap, no, is not there, and that's the reason why yesterday Prince filled in for the partner over here, and this act was devised yesterday. In a one day, they have done this act. Dada, everyone, applause for Dada and Juanito. I'm gonna finish that way. इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या बात, क्या बात.